मेरे चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं 10 क्लास के लिए करनी का पार्ट 3 का वीडियो लेकर आए हैं। पहले इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 के बहुत सारे सवाल करा दिए गए थे, आज हम पार्ट 3 का वीडियो लेकर आए हैं। पार्ट 3 में देखिए बहुत सारे सवाल है, जिसमें 9.3 एक्सरसाइज का भी सवाल है और उसके साथ साथ कुछ उदाहरण भी है, तो देखेंगे हम लोग दोनों सवाल देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए सवाल है प्रयोग 34 का, ठीक है। दिया हुआ है 5 / √2 + √3 - 1 / √2 - √3, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो करना क्या है, एलसीएम निकाल के कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा, है ना। और चाहे तो इसको अलग अलग करनी करके भी निकालेंगे, लेकिन ये छोटा है इसलिए इसको हम इसी रूप में कर देते हैं। तो √2 + √3 और √2 - √3 दोनों का एलसीएम ले लिए हैं। अब डिवाइड करें तो फिर आएगा 5 के साथ √2 - √3, मल्टीप्लाई करेंगे फिर बीच में माइनस का चिन्ह दे दीजिए, फिर ये निकल जाएगा। तो बचेगा कितना, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा। तो इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 √2 - 5 √3 - √2, और देखिए −+√3 डिवाइडेड बाय, नीचे अगर करें तो √2 का होल स्क्वायर सूत्र में बैठ जाएगा, −√3 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें कुछ अगर कटता है तो काटेंगे, नहीं तो जोड़ घटाव करेंगे। तो 5 √3 के साथ √3 और 5 √2 के साथ √2, 5 √2 में 1 √2 चला जाएगा, बोलिए 4 √2, और इधर आ गया −√6, 5 और 6 √3, ठीक है। डिवाइडेड बाय नीचे आ गया 2 - 3। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि माइनस में आएगा इसलिए 4 √2 - 6 √3 डिवाइडेड बाय −1। अब ये जो −1 है इसका क्या करें, इसको ऊपर हम ले सकते हैं 4 √2 - 6 √3। अब अगर इसको ब्रैकेट खोल देंगे तो देखिए −−+ तो इसको पहले ले लीजिए और −+- इसको बाद में ले लीजिए। तो इस तरह से हमारा आंसर निकल के आ गया कितना, 6√3 - 4√2। अब देखिए प्रयोग 36, देखिए क्या दिया है। यहाँ पे दिया है x = √3 + √2, ठीक है। ये मान दे दिया, दिया गया है कि x = √3 + √2। तो निकालना क्या है, देखिए x - 1/x, फिर x³ + 1/x³ और x²-1/x², ठीक है। तो अगर हम x दिया हुआ है तो 1/x निकालना चाहें तो क्या होगा, 1 / √3 + √2। ध्यान दीजिए अच्छा से, क्योंकि इसके अगर दोनों तरफ विलोम प्रक्रिया करें, देखिए बताते हैं, जैसे x/1 है तो इसके साथ भी 1 है ना। अब ये विलोम प्रक्रिया जब करते हैं, विलोम प्रक्रिया, तो दोनों को उलटना पड़ेगा, तो इस तरह से आ जाएगा ना 1/x = 1/, ठीक है, या 1/x = इसको करनी कर लीजिए, इसको करनी कर लेंगे तो आएगा √3 - √2 / √3 - √2। अब देखिए क्या आ जाएगा, 1/x = √3 - √2 / √3² - √2² और 1/x = √3 - √2 डिवाइडेड बाय 3 - 2 और 1/x = √3 - √2 डिवाइडेड बाय 1। अच्छा 1 का तो मान अगर हर में है तो इसका मान नहीं होता है, यानी आ गया √3 - √2। अब जो मान निकालना है वो क्या क्या है, इसमें मान निकालना है
एक्स माइनस वन बटे एक्स इज इक्वल टू एक्स के जगह पे उतारते हैं रूट थ्री प्लस रूट टू और माइनस, और वन बटे एक्स के जगह पे उतार देते हैं रूट थ्री माइनस रूट टू। अब इसका थोड़ा ब्रैकेट खोलिए, ब्रैकेट अगर खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रूट थ्री काट दीजिए टू रूट टू आंसर। तो एक मान निकल गया, ये किसका है, ये है वन का, इसको हम इसी तरह से वन हम डाल देते हैं ताकि याद रहे। अब देखिए ये टू निकालना है, तो टू निकालना है तो इसके लिए ध्यान दीजिए कि टू निकालने के पहले एक्स प्लस वन बटे एक्स निकाल लीजिए, क्योंकि टू निकालने के लिए हमको लगेगा ये मान लगेगा। तो बराबर क्या होगा, रूट थ्री प्लस रूट टू और फिर प्लस रूट थ्री माइनस रूट टू, ठीक है, इसमें रूट टू कट जाएगा तो एक्स प्लस वन बटे एक्स इज इक्वल टू टू रूट थ्री आया। तो ये चीज ध्यान रखिए, और एक्स माइनस वन बटे एक्स बराबर टू रूट टू भी आया। तो अब देखना यह है कि हम जो निकाल रहे हैं वो मान कौन सा है, वो मान है ये यहां से हम डालते हैं टू, ठीक है, एक्स क्यू प्लस वन बटे एक्स क्यू। अब देखिए एक सूत्र ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र है, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस थ्री ए बी और ए प्लस बी, इस तरह से एक सूत्र है, ए प्लस बी होल क्यू माइनस थ्री ए बी और ए प्लस बी। तो इसी सूत्र में हम यहां पे बैठाएंगे, तो देखिए उस हिसाब से इसको हम क्या बैठाएंगे, एक्स प्लस वन बटे एक्स का होल क्यूब माइनस थ्री एक्स इंटू वन बटे एक्स और एक्स प्लस वन बटे एक्स, ठीक है। अब मान देखिए इसका, इसका मान देखिए हम निकाल के रखे हैं टू रूट थ्री का होल क्यूब माइनस थ्री, ये कट जाएगा और इसका मान रख देंगे टू रूट थ्री, ठीक है। अब देखिए गौर से देखते जाइए, अब ये आएगा कितना, दो दुनी चार दुनी आठ, अठी चौबीस, चौबीस रूट थ्री, ठीक है, चौबीस रूट थ्री और माइनस सिक्स रूट थ्री। अब इसको अगर माइनस करेंगे तो आएगा एटीन रूट थ्री, तो एटीन रूट थ्री किसका मान आ गया, तो एक्स रूट थ्री प्लस वन बटे एक्स रूट थ्री का मान आ गया एटीन रूट थ्री, ठीक है। परंतु इसमें एक और मान निकालने के लिए कहा गया है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस वन बटे एक्स स्क्वायर। अब तीन नंबर में देखिए क्या है, तीन नंबर में निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वन बटे एक्स स्क्वायर। गौर से देखिए इसको सूत्र में अगर तोड़ेंगे तो एक्स प्लस वन बटे एक्स इंटू एक्स माइनस वन बटे एक्स, ठीक है, बहुत आराम से ये सूत्र में टूटा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। आप ये प्लस वाला मान यहां पे रख दीजिए और x माइनस वन बटे एक्स का मान निकल के आया था टू रूट टू, ये यहां पे रख देंगे, दो गुना दो चार, ये आ जाएगा रूट सिक्स, तीन गुना दो तो चार रूट सिक्स इसका भी मान आ गया। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए हम एक्सरसाइज में प्रवेश कर रहे हैं, अब एक्सरसाइज का सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर वन का ए नंबर क्या दिया है, देखिए दिया गया है कि एम प्लस वन बटे एम इक्वल टू रूट थ्री, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो मान दिया हुआ है उसको निकालना है, एक नंबर में क्या मान निकालने के लिए बोला है, एम स्क्वायर प्लस वन बटे एम स्क्वायर का मान निकालिए। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डायरेक्ट रख देंगे। अब m प्लस वन बटे एम के जगह पे रूट थ्री है, इसको बैठा दिए, अब माइनस टू एम एम कट गया है, अब बोलिए ये थ्री माइनस टू इजकल टू वन, तो पहला आंसर हमें प्राप्त हो गया है और यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए दो नंबर अगर बनाना चाहे तो एम क्यू अब प्लस वन बटे एम क्यूब का मान निकालने के लिए कहा गया। तो देखिए अभी थोड़ा देर पहले जो हम लोग सवाल बनाए थे तो याद करिए, तो m प्लस वन बटे एम का होल क्यूब माइनस थ्री एम इंटू वन बटे एम और फिर m प्लस वन बटे एम, इसको सूत्र में बैठाए हैं,
बैठा दिए हैं। अब मान बैठाते चले जाइए, क्या है रूट थ्री है तो चलिए रूट थ्री रख देते हैं, होल क्यूब माइनस थ्री ये काट दीजिए और यहाँ भी आ जाएगा रूट थ्री। अब बताइए इसका मान कितना आएगा, रूट थ्री गुना रूट थ्री गुना रूट थ्री, रूट थ्री रूट थ्री थ्री और तब थ्री रूट थ्री इसका मान आ जाएगा। ठीक है, तीन बार इसको मल्टीप्लाई अगर करें तो थ्री रूट थ्री, अब माइनस ये भी है थ्री रूट थ्री, अब ये दोनों काट देंगे तो बोलिए इसका मान कितना आया, तो जीरो इसका मान आया। तो इसका मान जीरो और इसका मान एक, और ये इस तरह से हम सवाल बना सकते हैं। अब चलिए बी नंबर इसी का, ये प्रमाण करने के लिए कहा गया है रूट फाइव प्लस रूट थ्री डिवाइडेड बाय रूट फाइव माइनस रूट थ्री, ध्यान दीजिए माइनस रूट फाइव माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाय रूट फाइव प्लस रूट थ्री। ठीक है, अब इतना ये एलएचएस का मान है, इतना हमको दिया गया है, इसको सॉल्व करते करते हमको आना है टू रूट फिफ्टीन में आना, तो इसको डबल है इसलिए इसको डायरेक्ट हम भिन्न का जोड़ भी करके बना देते हैं, जिस तरह से भिन्न का घटाव करके बना देते हैं, रूट फाइव माइनस रूट थ्री एलसीएम ले लीजिए और रूट फाइव प्लस रूट थ्री आ जाएगा इसका एलसीएम, दोनों का डिवाइड कर दीजिए बचेगा तो कितना हो जाएगा रूट फाइव प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर, अब माइनस ये चला जाएगा तो बचेगा रूट फाइव माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर। एक सूत्र बता देते हैं, देखिए 4ab बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ध्यान दीजिए ये सूत्र में बैठा देंगे तो हमको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्या होगा 4 इंटू ए, ए के जगह पे यहाँ पे रूट फाइव है, बी के जगह पे रूट थ्री है, तो 4ab का सूत्र बैठा देंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4ab बराबर इतना होता है, अब नीचे क्या है तो रूट फाइव का होल स्क्वायर होगा और माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर होगा, ऊपर में क्या होगा 4√15। ठीक है, और नीचे क्या हो गया देख लीजिए 5 माइनस 3 कितना हो गया 4√15 डिवाइडेड बाय 2, काट देंगे इसको कितना आ गया 2√15। देखिए कितना आसानी से इसको सॉल्व हम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सूत्र याद रखिएगा, ये सूत्र इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दो का देखिए सरल करें, इसमें क्या है ए नंबर पहले देख लीजिए रूट टू बटे रूट टू टू प्लस रूट थ्री डिवाइडेड बाय रूट थ्री और रूट थ्री प्लस वन, ठीक है माइनस रूट टू बटे टू माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाय रूट थ्री माइनस वन, इस तरह का आ गया। तो एक काम करिए ये दोनों जो दोनों एक ही है, देखिए रूट टू बटे रूट थ्री यहाँ भी रूट टू बटे रूट थ्री यहाँ भी, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जब कॉमन ले लेंगे तो आएगा क्या टू प्लस रूट थ्री, ठीक है डिवाइडेड बाय रूट थ्री प्लस वन और माइनस यहाँ पे आ जाएगा टू माइनस रूट थ्री और डिवाइडेड बाय रूट थ्री माइनस वन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते जाइए, सीधा सीधी जैसे हम लोग करते हैं उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे इसको, तो रूट थ्री प्लस वन और रूट थ्री माइनस वन कॉमन ले लिए, अब रूट थ्री निकलेगा तो आएगा टू के साथ, चलिए इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, इतना को मल्टीप्लाई करेंगे कितना से रूट थ्री माइनस वन से, ठीक है बीच वाला माइनस ले लीजिए, फिर ये निकलेगा तो आएगा टू माइनस रूट थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ तो रूट थ्री प्लस वन के साथ। ठीक है, यह हो गया, अब इसको रहने दीजिए और इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, तो टू के साथ कर दीजिए रूट थ्री माइनस वन, अभी प्लस रूट थ्री के साथ रूट थ्री माइनस वन, ठीक है अब माइनस उसके बाद फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट ले लीजिए। ठीक, तो एक ब्रैकेट जब ले लेंगे तो क्या होगा टू के साथ रूट थ्री प्लस वन और फिर माइनस रूट थ्री के साथ रूट थ्री प्लस वन कर लेंगे। ठीक है, और नीचे अगर हम करेंगे इसको तो आ जाएगा रूट थ्री का होल स्क्वायर और माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, आगे हम आगे बढ़ जाते हैं रूट टू बटे रूट थ्री और इसमें मल्टीप्लाई करते चले जाइए टू रूट थ्री माइनस टू प्लस थ्री
और माइनस रूट थ्री, और इधर जो है इसको फिलहाल इसी तरह से रहने दीजिए, टू रूट थ्री प्लस टू माइनस थ्री और माइनस रूट थ्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय इधर नीचे हो जाएगा थ्री माइनस वन। अब देखते हैं इसको क्या क्या मिलता है, रूट टू बटे रूट थ्री, और इसमें आता है जब ब्रैकेट इसको खोल देंगे तो क्या क्या मिलेगा, टू रूट थ्री रहने दीजिए, और थ्री में टू माइनस जाएगा तो प्लस वन, फिर माइनस रूट थ्री, माइनस रूट थ्री, फिर ब्रैकेट खोलते जाइए, माइनस टू रूट थ्री और माइनस प्लस माइनस टू, और फिर हो जाएगा प्लस थ्री, और इधर आ जाएगा फिर प्लस रूट थ्री, और डिवाइडेड बाय नीचे आ गया है तीन में गया दो, ऊपर देखिए कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, और इधर बचा तीन एक चार, चार में दो गया दो, यानी सारा कट जा रहा है, रूट टू बटे रूट थ्री इन टू, इसको टू बटे टू कर सकते हैं, ये भी कट गया है, बराबर रूट टू बटे रूट थ्री, इसको करनी कर लेते हैं, रूट टू बटे रूट थ्री इंटू रूट थ्री बटे रूट थ्री इज इक्वल टू, ऊपर में आ जाएगा रूट सिक्स और नीचे रूट थ्री, रूट थ्री थ्री आ जाएगा, और यही इसका आंसर है। अब इस सवाल को सॉल्व करना है, देखिए ये दो का बी नंबर का सवाल है, तो इसमें क्या है, देखिए ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, हम क्या करेंगे अभी अलग अलग पद लेकर के इसको पहले करनी कर लेते हैं, तो प्रथम पद क्या है, थ्री रूट सेवन डिवाइडेड बाय रूट फाइव प्लस रूट टू, ठीक है, थ्री रूट सेवन, चलिए इसको करनी कर लेते हैं, तो विपरीत चिन्ह से इसको मल्टीप्लाई करते रहे हैं, ठीक है, फिलहाल अभी इसको यू ही रहने दीजिए ऊपर वाला, इसको बाद में काटा जाएगा, ठीक है, नीचे देख लीजिए क्या आता है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो रूट फाइव का होल स्क्वायर और रूट टू का होल स्क्वायर आ गया, बताइए कितना होगा, थ्री रूट सेवन ऊपर जैसे है अभी वैसे उतार देते हैं, नीचे देखिए आता क्या है, नीचे आएगा पांच माइनस दो, पांच माइनस दो यानी तीन आ जाएगा, तो रूट थ्री रूट सेवन रूट फाइव माइनस रूट टू और डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा तीन, और तीन तीन को यहाँ पे ऐसे काट लीजिए, काटने के बाद आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा सात पचे पैंतीस, थर्टी फाइव आया, और फिर आएगा माइनस रूट फोर्टी, ठीक है, तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं, इसको वन कर देते हैं प्रथम पद वाला, अब चलते हैं दूसरा पद, तो दूसरा पद में देखिए क्या है वो लिख लीजिए, चिन्ह अभी लेने का जरूरत नहीं है, बस जो है उसको उतारिये, चिन्ह बाद में हम बताएंगे कैसे करना है, रूट टू प्लस रूट सेवन करनी कर लीजिए इसको, इसको जब करनी करेंगे तो इसका विपरीत चिन्ह लेना पड़ेगा, ठीक है, इक्वल टू फाइव रूट फाइव, इसको फिलहाल फिर रहने दीजिए, अभी मल्टीप्लाई करिए नहीं, नीचे देखिए रूट टू का होल स्क्वायर करते हैं और रूट सेवन का होल स्क्वायर करते हैं, फाइव रूट फाइव रूट टू माइनस रूट सेवन डिवाइडेड बाय टू माइनस सेवन, ठीक, टू माइनस सेवन जब करेंगे तो बोलिए कितना आएगा, रूट टू माइनस रूट सेवन डिवाइडेड बाय फाइव, लेकिन माइनस फाइव आएगा, चलिए फाइव फाइव कर देंगे, लेकिन माइनस नीचे है वो ऊपर चला आता है, तो इसको हम माइनस रूट फाइव ले लेते हैं, और रूट टू और माइनस रूट सेवन, अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करें तो देखिए माइनस माइनस प्लस वाला को पहले ले लेते हैं, यानी थर्टी फाइव को फिर हम पहले ले लेते हैं, ठीक, और फिर माइनस कितना, पांच गुना दो दस, रूट दस, ठीक, अब तीसरा पद चले आते हैं, तीसरा पद में देखिए क्या है, टू रूट टू डिवाइडेड बाय रूट सेवन प्लस रूट फाइव, मल्टीप्लाई करेंगे रूट सेवन माइनस रूट फाइव से, रूट सेवन माइनस रूट फाइव, ठीक है,
इक्वल टू टू रूट टू रूट सेवन माइनस रूट फाइव डिवाइडेड बाय, इधर हो जाएगा रूट सेवन का होल स्क्वायर माइनस रूट फाइव का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। चलिए रूट टू रूट टू रूट सेवन माइनस रूट फाइव डिवाइडेड बाय, इधर बोलिए कितना होगा, सेवन माइनस फाइव बराबर टू रूट टू रूट सेवन माइनस रूट फाइव, और नीचे हो गया टू, टू टू काट दीजिए, अब आएगा सात दूनी चौदह और माइनस पांच दूनी दस, तो ये आ गया तीन नंबर, ये आ गया दो नंबर, ठीक है। यानी समीकरण दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है। अब देखिए यहाँ पे इसलिए प्रथम पद माइनस, यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह है, माइनस दूसरा पद और प्लस तीसरा पद, यही तो है। ये देखिए पहला पद माइनस दूसरा पद प्लस तीसरा पद, प्रथम पद में क्या आया था समीकरण एक से देख लीजिए और उतार लीजिए, थर्टी फाइव अंडर रूट माइनस रूट फोर्टीन, फिर माइनस ब्रैकेट ले लीजिए, जैसे माइनस रहता है ब्रैकेट ले लेते हैं। दूसरा पद में बोलिए क्या है, थर्टी फाइव माइनस रूट टेन प्लस, तीसरा पद में देख लीजिए क्या है, रूट फोर्टीन माइनस रूट दस। अब क्या है, ब्रैकेट खोल देंगे केवल, तो ब्रैकेट जब खोल देंगे तो आएगा थर्टी फाइव माइनस रूट फोर्टीन माइनस थर्टी फाइव रूट थर्टी फाइव माइनस माइनस प्लस रूट टेन प्लस रूट फोर्टीन माइनस रूट टेन। अब देखिए इसमें से कुछ कटता है तो काट देंगे, थर्टी फाइव रूट थर्टी फाइव कट जाएगा, और ये देखिए ये प्लस है, ये माइनस, ये भी कट जाएगा, ये प्लस और ये माइनस कट गया, मतलब इसका आंसर आ गया है जीरो, और यही जीरो इसका क्या हो गया आंसर। अब चलिए सवाल नंबर दो का सी, गौर से देखिए, फोर रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू माइनस रूट टू माइनस थर्टी डिवाइडेड बाय फोर रूट थ्री माइनस रूट एटीन माइनस रूट एटीन डिवाइडेड बाय थ्री माइनस रूट ट्वेल्व, ठीक है, यही सवाल है। अब इसको हम उसी तरह से प्रथम पद कितना है, फोर रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू माइनस रूट टू, ठीक, पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद इसका करनी कर लेंगे हम लोग, करनी करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, टू प्लस रूट टू फोर रूट थ्री, अभी काटना नहीं है इसको, टू प्लस रूट टू डिवाइडेड बाय टू का होल स्क्वायर माइनस रूट टू का होल स्क्वायर, फोर रूट थ्री टू प्लस रूट टू रहने देंगे और ये हो जाएगा फोर माइनस टू, रूट टू का होल स्क्वायर है इसलिए, अब आएगा फोर रूट थ्री टू प्लस रूट टू और डिवाइडेड बाय टू काट देंगे, टू रहेगा तो टू रूट थ्री को मल्टीप्लाई किससे करना है, टू प्लस रूट टू से करना है, बोलिए कितना होगा, फोर रूट थ्री प्लस टू रूट सिक्स, दो को मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे, तो ये आ गया पहला। उसी तरह से दूसरा पद ले लेंगे, दूसरा पद देखिए कौन से, थर्टी डिवाइडेड बाय फोर रूट थ्री माइनस रूट एटीन, ठीक है, थर्टी डिवाइडेड बाय फोर रूट थ्री माइनस रूट एटीन मल्टीप्लाई कर दीजिए, फोर रूट थ्री प्लस रूट एटीन डिवाइडेड बाय फोर रूट थ्री, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस रूट एटीन, देखते हैं क्या मिलता है, थर्टी इंटू फोर रूट थ्री प्लस रूट एटीन और डिवाइडेड बाय नीचे बताइए फोर रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस रूट एटीन का होल स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए कितना होगा, थर्टी फोर रूट थ्री प्लस रूट एटीन डिवाइडेड बाय, नीचे देखिए ये कितना आएगा, चार चौक सोलह, सोलह दिया अड़तालीस, फोर्टी एट माइनस एटीन, ठीक है।
34√3 +√18 डिवाइडेड बाय 30। अब 30-30 काट देंगे, बच गया कितना बोलिए, 4√3 +√18, ये आया हमारा सेकेंड। थर्ड में देखिए क्या आता है, यानी तीसरा पद में क्या आता है, तीसरा पद में देख लेते हैं, √18 डिवाइडेड बाय 3 -√12, ठीक है, √18 डिवाइडेड बाय 3 -√12 इंटू 3 +√12 डिवाइडेड बाय 3 +√12, ठीक है, इज इक्वल टू √18 3 +√12 और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर और -√12 का भी होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा √18 3 +√12 और डिवाइडेड बाय 9 और -12, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, ये 18 जो है इसको हम 3√2 कर सकते हैं, तो 3√2 और +√12 डिवाइडेड बाय, ये समझ गए, 3√2 कर लेंगे इसको। अच्छा यहाँ पे आ जाएगा -3, अब देखिए ये 3 काट दीजिए, अब आ जाएगा -√2 और 3 +√12, ठीक है, अब ये हो जाएगा -√6, एक मिनट, ये आ जाएगा 3√2 और माइनस आ जाएगा √24, ठीक है, 12 × 24। अब थोड़ा सा और इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, -3√2 और इसको अगर हम 24 को तोड़ देते हैं तो 2 × 4 8 × 3, चलिए 6 रहेगा, तो इसको 2 निकालिए और इसको 6 रहने दीजिए, ठीक, 2 बाहर निकाल लीजिए माइनस और 6 को अंदर रहने दीजिए। अब देखिए यहां पे प्रथम पद माइनस दूसरा पद, दूसरा पद और माइनस तीसरा पद, ये पहले सजा लेना, ठीक है। अब देखिए प्रथम पद में जो है वो लिखिए 4√3 +2√6 लिख देंगे। अब दूसरा पद में क्या, माइनस ब्रैकेट ले लेंगे 4√3 +√18, फिर माइनस ले लेते हैं और ब्रैकेट में ले लेते हैं -3√2 और फिर -2√6, ठीक है, ले लिए हैं। अब देखिए इसको हम निकालते हैं, 4√3 +2√6 और -4√3 ±, और √18 को हम एक ही बार लिख देते हैं 3√2, तृतीय 9 × 18, ठीक है। अच्छा फिर माइनस माइनस +3√2 -, +2√6। अब देखिए कौन कौन कट सा कट जा रहा है इसमें, ये कट गया, ये कट गया, और 3√2 काट दीजिए। अब यहां आता है 2√6 और +2√6, कितना आ गया 4√6, और यही इसका आंसर आ गया 4√। अब देखिए चलते हैं आगे की तरफ, डी नंबर का सवाल बनाते हैं, किसका डी नंबर है, 2 का डी नंबर है। देखिए कितना है, 3√2 डिवाइडेड बाय √3 +√6, ठीक है, -4√3 डिवाइडेड बाय √6 +√2, ठीक है, अब +√6 और डिवाइडेड बाय √2 +√3, ठीक है। अब इसको बनाने का कोशिश करते हैं, प्रथम पद बोलिए क्या है, 3√2 डिवाइडेड बाय √3 +√6 दिया है, अब इसको करनी कर लेते हैं, √3 +√6 मल्टीप्लाई √3 -√6 डिवाइडेड बाय √3 -√6, ऊपर का रहने दीजिए उसी तरह से, और नीचे √3 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर,
थ्री रूट टू रूट थ्री माइनस रूट सिक्स डिवाइडेड बाय थ्री माइनस सिक्स, थ्री रूट टू रूट थ्री माइनस रूट सिक्स डिवाइडेड बाय माइनस थ्री, ठीक है। अब ये थ्री थ्री को काट दीजिए, काटने के बाद जो बचा है देखिए यहाँ पे ये माइनस यहाँ पे ले लीजिए माइनस रूट टू और ब्रैकेट में रूट थ्री माइनस रूट सिक्स। इसको अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे देखिए पहले प्लस वाला रख लीजिए माइनस माइनस प्लस तो आ जाएगा रूट बारह प्लस में और फिर माइनस में आ जाएगा रूट सिक्स, तो रूट बारह माइनस रूट सिक्स इसको हम वन कर देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा पद में, दूसरा पद में क्या है फोर रूट थ्री डिवाइडेड बाय रूट सिक्स प्लस रूट टू, फोर रूट थ्री डिवाइडेड बाय रूट सिक्स प्लस रूट टू मल्टीप्लाय रूट सिक्स माइनस रूट टू डिवाइडेड बाय रूट सिक्स माइनस रूट टू। चलिए कितना होगा फोर रूट थ्री रूट सिक्स माइनस रूट टू डिवाइडेड बाय रूट सिक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट टू का भी होल स्क्वायर, फोर रूट थ्री रूट सिक्स माइनस रूट टू और सिक्स माइनस टू, ठीक है। फोर रूट थ्री रूट सिक्स माइनस रूट टू डिवाइडेड बाय फोर, फोर फोर को काट लेंगे और बच गया है रूट थ्री रूट सिक्स माइनस रूट टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए रूट छ गुना तीन अठारह माइनस रूट सिक्स, ठीक है। इसको हम सेकंड कर देते हैं, थर्ड चलते हैं, थर्ड पद में क्या है रूट सिक्स डिवाइडेड बाय रूट टू प्लस रूट थ्री, रूट सिक्स डिवाइडेड बाय रूट टू प्लस रूट थ्री मल्टीप्लाय रूट टू माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाय रूट टू माइनस रूट थ्री, रूट सिक्स रूट टू माइनस रूट थ्री और नीचे आएगा रूट टू का होल स्क्वायर माइनस रूट थ्री का भी होल स्क्वायर। चलिए रूट सिक्स रूट टू माइनस रूट थ्री और नीचे कितना आ जाएगा टू माइनस थ्री यानी माइनस वन आएगा, तो रूट सिक्स रूट टू माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाय माइनस वन। अब ये माइनस वन यहाँ पे आ जाएगा रूट सिक्स के पास, तो प्लस वाला पहले ले लीजिए माइनस माइनस प्लस चौथी अठारह आ जाएगा है ना, और फिर माइनस ट्वेल्व आ जाएगा। अब निकालना क्या है प्रथम पद माइनस दूसरा पद अब प्लस तीसरा पद, ठीक है। प्रथम पद यहां से ले लेते हैं रूट बारह और माइनस रूट सिक्स माइनस ब्रैकेट ले लीजिए दूसरा रूट अठारह माइनस रूट सिक्स और प्लस तीसरा पद ले लीजिए रूट अठारह और माइनस रूट बारह, ब्रैकेट खोलिए रूट बारह माइनस रूट सिक्स माइनस रूट अठारह प्लस रूट सिक्स प्लस रूट अठारह माइनस रूट बारह। देखिए कटता है क्या माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस सारा कट गया बराबर जीरो और इसका आंसर जीरो। अब देखिए तीन नंबर सवाल में क्या दिया है यहाँ पे एक्स का मान दिया है देखिए दो y बराबर दिया तीन और z बराबर दिया सिक्स। अब यहाँ है क्या जो समीकरण दिया है वो समीकरण क्या है तो थ्री रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट वाई प्लस रूट जेड माइनस फोर रूट वाई डिवाइडेड बाय रूट जेड प्लस रूट एक्स और प्लस रूट जेड डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस रूट वाई। अब क्या करना जो मान दिया है वो बैठा दीजिएगा तो एक समीकरण बन जाएगा, एक्स का मान टू रख दिए हैं वाई का मान थ्री रख दिए हैं प्लस जेड का मान रूट सिक्स रख दिए हैं, उसी तरह से रखते चले जाएंगे जेड का मान है सिक्स प्लस रूट टू प्लस रूट सिक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स के जगह पे टू प्लस रूट वाई के जगह पे थ्री, ठीक है।
हम यहाँ तक कर दिए हैं, ये आप लोग को बनाना है, घर में बनाना है, इसको घर में बना करके सॉल्व करके हमको व्हाट्सएप में दिखाना। तो ये करके बनाइएगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे है 4 नंबर का सवाल, वो देख लीजिए। 4 नंबर में क्या है, x इज इक्वल टू √7 + √6, ठीक है। अब ये जो मान दिया है तो इसमें निकालना क्या क्या, देखिए x-1/x, x+1/x, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमको यहाँ पे 1/x निकालना ही पड़ेगा। तो 1/x अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये देखिए, या 1/x इज इक्वल टू 1/√7 + √6 इंटू √7 - √6 / √7 - √6। क्या किया, करनी कर दिए हैं। अब 1/x बराबर ऊपर में आ जाएगा √7 - √6 और नीचे आ जाएगा √7² और -√6² या 1/x इज इक्वल टू ऊपर आ जाएगा √7 - √6 और नीचे हो जाएगा 7 - 6। 1/x इज इक्वल टू √7 - √6। तो ये मान आ गया। अब चाहे जिसका भी मान यहाँ पे पूछा गया है सबका मान हम निकाल सकते हैं। देखिए अब एक एक करके निकालते जाते हैं। सबसे पहले देखिए 1 नंबर क्या निकालना है, x-1/x। चलिए x के जगह पे हमको पता है √7 + √6, उसके बाद माइनस का चिन्ह डाल देंगे। और देखिए 1/x के जगह पे कितना है, √7 - √6 लिख दिए हैं। अब इसको सॉल्व करते जाते हैं, √7 + √6 - √7 - +√6। तो -7 + 7 रूट कट जाएगा, बचेगा √2 और ये आ गया इसका आंसर। उसी तरह से 2 नंबर चलते हैं। 2 नंबर में देखिए क्या है, x+1/x इज इक्वल टू एक्स के जगह पे फिर वही √7 + √6 + √7 - √6, इसमें √6 कट जाएगा, है ना। x+1/x इज इक्वल टू √2 और यही इसका आंसर आ गया। अब उसी तरह से और आगे बढ़िए, 3 नंबर। 3 नंबर में क्या है, x² + 1/x² बोलिए इसका सूत्र, √2 × x × 1/x। इसके जगह पे मान हम निकाल लिए हैं, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे। तो √2 हो जाएगा -2 xx कट गया। अब इसको अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 428 - 2 = 26, ठीक है। 2 × 2 = 4 = 28 - 2। अब देखिए नेक्स्ट सवाल जो है वो है 4 नंबर का, वो देखिए क्या है, x³ + 1/x³। इसका सूत्र 1/x + 1/x³ - 3 × x × 1/x और फिर x + 1/x, यही है। अब इसका जगह पर देखिए यहाँ पे मान हम निकाल के रखे हैं, √7 बैठा देंगे, √3 ये कट जाएगा और फिर √7 यहाँ पे रख लेंगे, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 8 = 56 √7। ये कैसे आया देख लीजिए एक बार जल्दी, √7 = √7 = √7। करना क्या है, 2 × 2 × 2 8 लिख दीजिए, √7 √7 = 7 और 1 √7 बच जाएगा। तो कितना होगा, 56 √7। अब माइनस इधर करिए कितना होगा, 6 √7 माइनस कर दीजिए, 50 √7 और यही इसका क्या हो गया आंसर। इस तरह से आप प्रयास करिए, इसका आगे वाला वीडियो में निश्चित रूप से इसके आगे जो जो सवाल होगा इम्पोर्टेंट वो हम बताएंगे, वो पार्ट 4 में बताएंगे। ये पार्ट 3 का वीडियो यही लास्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से आप जो है इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल का बटन भी दबाइए। थैंक यू।